बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमारी दुआ आपके साथ है। तो व्यूवर्स, आज जो है आप भाइयों के लिए एक कहानी आप भाइयों के लिए बता रहे हैं, ठीक है व्यूवर्स? आज आप भाइयों के लिए एक पानी बताएंगे। इंशाल्लाह ये पानी से कबूतर आपका बहुत अच्छा उड़ेगा और बेहतरीन उड़ेगा और बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है? तो पानी जो मैं क्या क्या चीज़ें डलेंगी और ये पानी कैसे बनेगा, अब भाई नोट कर लें। इंशाल्लाह आप भाइयों के फायदे का पानी है, ठीक है? मैं चीज़ें बता दूंगा आपको, आपने पानी इसी तरीके से बनाना है, ठीक है? ऐसा पत्थर हो आपके पास, पत्थर आपने ले लेना है। पानी आपने ज़्यादा नहीं लेना, कम पानी लेना है, ठीक है? और उसमें आपने पानी बनाना है। 10 से 1 दखनी मिर्च ले लें, 10 से 1 दखनी मिर्च, ठीक है? 10 से 1 दखनी मिर्च लेके आपने उसको इसी तरीके से पत्थर पे रख के आपने घिस देना है, ठीक है? और इसी पत्थर ऐसे पत्थर से आपने घिस देना है। अगर पत्थर ये हो, ठीक है, नहीं हो पत्थर आपके पास तो कोई मसला नहीं है। आपने दखनी मिर्च जो है इसी तरीके से हाथ में उठा के आपने इसी तरीके से ऐसे आपने पानी में आपने घिस देनी है, ठीक है? तब भी ये घिस जाएगी दखनी मिर्च, आप देख लें, ठीक है? लेकिन इस ऐसे में घिसने में आपको टाइम लगेगा, और पत्थर रख के आपने उसके ऊपर घिस देना है तो उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। 10 से 1 दखनी मिर्च आप ले लें, ठीक है? 10 से 1 दखनी मिर्च ले लें आप। उसके बाद क्या करना है आपने, हड़, ये देख लें, ये है हड़। हड़ के आपने 10 गिस्से लगाने हैं, ठीक है? इस पानी में हड़ के आपने 10 गिस्से लगाने हैं। दखनी मिर्च हड़ हो गई। उसके बाद आपने ये विधारा है, देख लें, ये विधारा का आपने पाउडर बना लेना है, ठीक है? बादाम के बराबर आपने विधारा ले लेना है, इसका आपने पाउडर बना लेना है, ठीक है? इमाम दस्ते में डाल के आपने इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपने इस पानी में ऐड कर देना है, ठीक है? समझ आ गई होगी आपको। इसका आपने विधारा लेके आपने बादाम के बराबर विधारा लेके आपने इसका जो है इमाम दस्ते में आपने इसका कूट के इसका पाउडर बना लेना है। अच्छे से पाउडर, बारीक सा पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपने इस पानी में हल कर देना है, ठीक है? तो ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आंबाल्दी, ये देख ले, यह आंबाल्दी। इस आंबा हल्दी के आपने कम से कम भी 25 गिस्से आंबा हल्दी के आप लगा लें, ठीक है? 25 गिस्से आंबा हल्दी के लगा लें, 25 गिस्से आंबा हल्दी के इस पानी में लगा लें, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, ये देख लें, यह है अजगर नागौरी। 2 इंच की डंडी ले लेनी है, ठीक है? इशुगंधा भी कहते हैं। 2 इंच की डंडी अजगर नागौरी की लेके आपने इसी तरीके से पानी में पूरा घिस देना है, ठीक हो गया? उसके बाद मुलैठी, मुलैठी ले लें। मुलैठी के आपने 100 गिस्से इस पानी में लगा देने, ठीक हो गया? मुलैठी के 100 गिस्से आपने मुलैठी के इस पानी में लगा देने, 100 गिस्से। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देख लें, साबुत धनिया, ठीक है? साबुत धनिया आपने ये ले लेना है। पुदीना, पुदीना है, पुदीना, साबुत पुदीना बोलते हैं, धनिया भी बोलते हैं, ठीक है? दोनों चीज़ बोलते हैं, पुदीना धनिया जो भी आप बोलो, ठीक है? साबुत धनिया ही है, ठीक है? ये भैया व्यूअर्स, साबुत धनिया, इसका आपने आधा चम्मच, चम्मच दिखा दूँ आपको मैं, ये आपने इसी तरीके से साबुत धनिया का आपने आधा चम्मच इसमें से ऐसे भर लेना है। आधा चम्मच साबुत धनिया का भर के आपने यहाँ पर रख के उसके बाद इसको पत्थर की मदद से आपने घिसना है, ठीक है? पत्थर की मदद से आपने घिस के इसका अच्छे से इसका जो है ना आपने
रस निकाल लेना है, ठीक हो गया साबुत धनिया का। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया है क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपने इसी तरीके से पानी बनाना है। उसके बाद जब आपका पानी बन के तैयार हो जाए, ठीक है, पानी बन के ये सब चीज़ें घिस लिया आपने, घिसने के बाद आपने पाउडर बना के, इसका भी पाउडर बना के डाल दिया, सब चीज़ हो गया, तो आपने बादाम ले लेने हैं। बादाम, बादाम मेरे पास है नहीं, ठीक है, बादाम ले लेने हैं आपने, चार एक बादाम ले लेने हैं, 4 से 5 घंटे फीके हुए होने चाहिए बादाम, ठीक है। बादाम लेके आपने उसको इस पानी में घिस देना है, 4 से 5 बादाम आप अपने कबूतर को देख लें, कबूतर के हिसाब से 4-5 बादाम आपने घिस देने। घिसने के बाद आपने क्या करना है, जब आपके बादाम घिस जाएं, बादाम जब आपके 4 से 5 बादाम आपने घिस दिए, उसके बाद आपने क्या करना है, खमीरा ले लेना है, ये खमीरा, ठीक है, लास्ट में आपने खमीरा ले लेना है। खमीरा लेके आपने इसी पानी में आपने हल कर देना है 1 चम्मच खमीरे का, ठीक हो गया, 1 चम्मच ही आपने खमीरे का लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। और बादाम भी आ गई, बिधारा भी आ गई, 3 चीज़ें हमने ताकत की दी हैं, और ये जो है मलाइठी, ये कबूतर को ठंडा करेगी, ठीक है, असगर नागौरी जो है कबूतर को सीधा करेगी, आंबा हल्दी जो है कबूतर के सीने कुंडे साफ़ करेगी, हड़ जो है थोड़ा सा कबूतर को अंदर से जो कचरा मचरा होता है वो साफ़ करेगी, निकालेगी, और दक्कनी मिर्च जो है दिमाग भी तेज़ करेगी और कबूतर में करंट भी लाएगी। बादाम जो है ज़्यादा नहीं खेलने आपने, अगर बादाम आपने ज़्यादा खेले कबूतर आपकी बात नहीं सुनेगा, ठीक है। बादाम आपने 4 से 5 बादाम अपने हिसाब से देखें कि कबूतर के ऊपर डिपेंड करता है, 50 कबूतरों का आप खेल में बता रहा हूँ, 4-5 बादाम बहुत है, इससे ज़्यादा मत इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि बादाम के साथ हमने विधारा भी दे दिए, विधारा इसके लिए दिए ताकि विधारा में ताकत है, ये भी कबूतर को ताकत देती है, विधारा जो है कबूतर को ताकत देती है, लेकिन कबूतर को जो है मस्ती में नहीं लाती, ठीक है। अगर हम बादाम खेलते हैं, बादाम ज़्यादा खेलते हैं, कबूतर ताकत में भी आ जाता है और कबूतर मस्ती में भी आ जाता है, और हमारी सुनता भी नहीं है, और उस मस्ती में वो कबूतर ठाकने लग जाता है, उड़ते ही ठाकने में वो किसी कबूतर के पीछे पड़ के बैठ भी जाता है, ठीक है। बादाम इतनी ख़राब चीज़ है, वो कबूतर को गिरवा भी देती है, क्योंकि आदमी सोचते हैं यार हम तो ताकत दे रहे हैं, ताकत दे दें कबूतर को, ठीक है ताकत आप दे रहे हो, लेकिन बादाम जो है कबूतर को इतना मस्त कर देती है, वो कबूतर मस्ती में जाके कूद जाएगा, कबूतर में मस्ती में, और अक्सर कबूतर देखे हम पकड़ते हैं इतने मस्त होते हैं, कबूतर हमारी छत पे आके बैठ जाते हैं, वो इतने मस्त होते हैं, वो कबूतर दाने के ऊपर नहीं होते, लेकिन वो कबूतर के पीछे मस्ती में आ जाते हैं, मस्ती करते करते हम कबूतर पकड़ लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ताकत भरपूर दे देते हैं, ताकत जब भरपूर हम देंगे कबूतर के अंदर तो कबूतर मस्ती में जाके गिरेगा, गिरता है, ठीक है ना। तो कबूतर के अंदर एक लिमिट से हिसाब से ताकत दी जाती है, ताकि इतनी ज़्यादा ओवर भी ना हो कबूतर, और कबूतर काम करे हमारा। तो विधारा जो है इसके लिए मैंने बताई, बादाम आप ज़्यादा नहीं खेलना, बादाम आप 4-5 खेल लेना, और उसके बाद खमीरा जो है ये भी ताकतवर चीज़ है, ठीक है, ये भी ताकतवर चीज़ है। बहुत से भाई बोलते हैं उस्ताद इसकी तासीर गर्म है, भाई गर्म तासीर हो या तासीर ठंडी हो ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। हमने सर्दी में भी खमीरा खेला है, गर्मी में भी खेला है, दोनों मौसम में हमने खेला है। अब इसकी तासीर गर्म है या ठंडी है वो डिपेंड हम नहीं करते हैं, क्योंकि इस चीज़ से हमारा कबूतर अच्छा उड़ने लग गया, ठीक है। हो सकता है इसकी तासीर गर्म है लेकिन ताकत भी है, लेकिन खेला इस तरीके, खेलने के देखो तरीके होते हैं। अब आप बोलोगे इसकी तासीर गर्म है, हम अभी गर्मी में खेलेंगे तो कबूतर गर्म आ जाएगा, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, हमने इसे गर्मी में खेला है और कबूतर ने अच्छा काम भी किया है, ठीक है। और तरीका होता है पानी में खेला जाता है, अब हम दूध में डाल के खा लें पी लें वो अलग चीज़ है, पता है इंसान के ऊपर इसकी तासीर अलग चीज़ होती है, लेकिन परिंदे के ऊपर तासीर अलग हो जाती है, ठीक है। तो इतना वो मेरी समझ में आ रहा है, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह
इसी तरीके से आपने पानी बनाना है। और ये पानी देखिए, ये पानी मैं बता रहा हूँ, ये पानी बहुत ही बेहतरीन पानी है। आप जब इस्तेमाल करोगे, ठीक है, फिर आपको रिजल्ट भी आएगा कि कबूतर वाकई अच्छा काम किया है कबूतर ने, ठीक है। बहुत से भाई होते हैं इस्तेमाल करते नहीं हैं, तो बोलते हैं यार ये तो सही नहीं है। ऐसी बात नहीं होती, कब खेल अच्छा ही होता है, लेकिन हम जो खेल बताते हैं वो खेल सारे ही अच्छे ही बताते हैं, क्योंकि हमने अपने कबूतरों पे डिपेंड, अपने कबूतरों पे हमने आजमाए हैं, अपने कबूतरों पे लगाए भी हुए हैं, अपने कबूतरों से काम करवाते भी हैं, और यही चीज़ें खेलते हैं। और भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मौसम के साथ साथ इंशाल्लाह मैं वो भी चीज़ें बताता जाऊँगा ऐसे ऐसे। आप भाइयों को कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं, सब बताऊँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना और हमें दुआओं में याद रखना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।